सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश विषय की सुपर फास्ट रिविजन क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आप लोग को ये क्लासेस बहुत अच्छी भी लग रही है। मुझे ये जान करके बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स लगातार कर रहे हो और बता रहे हो कि इससे आपको काफी हेल्प मिल रही है। दोस्तों, लगातार आप लोगों का जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रेगुलर लाते रहेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 से आज यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 तक। ऑलरेडी हम लोगों ने आपको कंप्लीट करा दिया है सुपर फास्ट रिविजन में, तो क्वेश्चन नंबर 41 से यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। जिन भी प्रशिक्षुओं ने अभी पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, आप सभी को उसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, आप लोग चैनल पर जा करके सभी वीडियोस को अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वीडियोस आपकी छूट गई हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सेकेंड सेमेस्टर में भी कई बार पूछा गया और यही क्वेश्चन बार बार फोर्थ सेमेस्टर में भी पूछा गया है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसको देखते हैं। यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोडक्टिव स्किल्स ऑप्शंस में यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो है, देखिए ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है लिसनिंग स्पीकिंग, ऑप्शन बी है स्पीकिंग राइटिंग, ऑप्शन सी है रीडिंग राइटिंग और ऑप्शन डी है लिसनिंग और रीडिंग। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं कौन कौन से प्रोडक्टिव स्किल है और कौन कौन से रिसेप्टिव स्किल है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है, आप जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। दोस्तों देखिए, स्किल जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला है रिसेप्टिव स्किल। रिसेप्टिव स्किल में कौन आता है? जो रिसेप्टिव स्किल है वो हमारी होती है सुनना होता है और जो पढ़ना होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में पहले लिसनिंग है, ऑप्शन सी में पहले रीडिंग है। तो ये जो रीडिंग है और जो लिसनिंग है, ये दोनों क्या है? रिसेप्टिव स्किल है। और यहां पर जो स्पीकिंग होता है और राइटिंग होता है, मतलब बोलना और लिखना, ये दोनों होता है प्रोडक्टिव स्किल। तो यहां पर देखिए, बोलना और लिखना क्या है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोडक्टिव स्किल। तो जिन भी प्रशिक्षुओं ने ऑप्शन बी को चूज किया है वो सभी का सही है। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि जो स्पीकिंग होता है और राइटिंग होता है ये प्रोडक्टिव स्किल होता है। स्पीकिंग मतलब हम बोलते हैं, बोलना क्या प्रोडक्टिव स्किल है और लिखना भी क्या है प्रोडक्टिव स्किल है। इससे हमारी स्किल दिखती है, इससे हमारी क्षमता दिखती है, कितना सुंदर हम लिख सकते हैं। और बोलने से क्या पता चलता है कि कितना अच्छा हम बोल सकते हैं। और जो लिसनिंग है, जो सुनना है, सुनने से हम क्या करते हैं, सुनने का मतलब क्या, किसी की भी बातों को हम ध्यान से सुन करके रिसीव करते हैं। सेम इसी प्रकार से अगर हम कोई चीज लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उसको भी क्या करते हैं, हम रिसीव ही तो करते हैं। कोई चीज लिखा हुआ है किसी चीज में, उसको हम पढ़ रहे हैं कॉपी में या किताब में, कोई चीज लिखी हुई है तो उसको पढ़ करके हम रिसीव ही तो कर रहे हैं अपने पास। तो ये जो पढ़ करके रिसीव करना हुआ, जो सुन करके रिसीव करना हुआ, ये ज्ञान हम अपने अंदर एकत्र कर रहे हैं, अपने अंदर उसको ले रहे हैं। तो ये हो गया, यानी कि इसको हम रिसीव कर रहे हैं अपने पास, ठीक है। और ये जो स्पीकिंग और राइटिंग हो गया, स्पीकिंग से मतलब क्या, बोलना और लिखना, इससे हम क्या करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं ना। मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति दो ही प्रकार की तो होती है, लिखित और मौखिक। तो वही आप इंग्लिश में भी समझिए कि यहां से लिखना और बोलना यही क्या है, यही प्रोडक्टिव स्किल होता है। और बाकी यहाँ पर जो लिसनिंग है और रीडिंग है ये क्या है, ये रिसेप्टिव स्किल है। क्वेश्चन नंबर 42 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। टीचिंग लर्निंग मैटर, टीचर लिसनिंग मटेरियल। आप लोग जल्दी इसका आंसर दीजिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसमें टीएलएम का फुल फॉर्म क्या है, और टीएलएम जितनी बार भी जहां पर भी आया है, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, सेकेंड पेपर हो, आप लोगों के एग्जाम में, आप लोगों के क्वेश्चंस में जितनी बार भी आया है, फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में, बार बार आया है, मैंने बार बार आप लोगों को बताया कि टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। उम्मीद करती हूँ आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इसको सही किया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें आर्टिकल फिल करना है। तो आपको पता है कि ए ई आई ओ यू,
इनके साथ क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब इनका उच्चारण स्वर से हो तब। और बाकी के साथ ए लगाते हैं। तो यहां पर देखिए किसमें हमें ए लगाना है, किसमें हमें एन लगाना है, यही हमें देखना है। द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री कॉमा ऑरेंज ट्री एंड डैश गवा ट्री। तो यहां पर हमें फिल करना है एप्पल के आगे क्या लगेगा, एन एप्पल लगेगा, स्मॉल ए रहेगा, एन एप्पल। फिर यहां पर ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि यहां पर क्या आएगा, ओ है, ए ई आई ओ यू, क्या लगेगा, एन लगेगा, एन ऑरेंज। फिर ऑरेंज ट्री एंड डैश गवा ट्री, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। तो द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री एंड ऑरेंज ट्री एंड अ गवा ट्री, यानी कि गार्डन में क्या है, एक एप्पल का पेड़ है, एक ऑरेंज का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करिए, ये सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, यानी कि लेड क्या है, सीसा सबसे भारी मेटल है। तो यहां पर इसे जब हम बदलेंगे कंपैरेटिव में तो देन तो आएगा ही, लेड इज हैवियर, हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो बार पूछा जा चुका है, दो बार पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। इसमें जतिन तो आपको पता है ये किसी का नाम है, साफ साफ कि ये नाउन है, और इसमें नाउन और क्या है, और यहाँ पर देखिए हिंदी क्या है, एक भाषा है, एक भाषा का नाम है। उर्दू क्या, ये भी एक भाषा का नाम है। तो हिंदी और उर्दू भी नाम ही तो हुए, तो इसलिए जतिन हिंदी और उर्दू ये तीनों ही क्या हो गए, ये तीनों ही हो गए नाउन। तो उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने सही आंसर दिया होगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 46 है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो चलिए हम देखते हैं। असेंबली ऑफ लिसनर्स, जैसे कि आप देखते हो कोई डांस रियलिटी शो है, सिंगिंग रियलिटी शो है, तो उसमें आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बैठ करके उसको देखते हैं, तो जो लोग बैठ करके उसको सुनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जो बैठ करके उसे सुनते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑडियंस, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडियंस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द असेंबली ऑफ लिसनर्स का मतलब ऑडियंस। उम्मीद करती हूं आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर आ रहा होगा। फिर है दूसरा, अ मैच इन विच नो पार्टी विन, अ मैच इन विच नो पार्टी विन, यानी कि एक ऐसा मैच जो किसी, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, क्रिकेट, चूंकि क्रिकेट बहुत लोग सब लोग देखते हैं हमारे इंडिया में, तो क्रिकेट मैच हो रहा है, तो मान लीजिए वो मैच किसी भी टीम ने नहीं जीता, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैच ड्रॉ हो गया, क्या हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, तो उसे हम, उसकी स्पेलिंग क्या होती है, ड्रॉन, डी आर ए डब्ल्यू एन, तो मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। तो यहां पर बस एन आपको याद रखना है कि डी आर ए डब्ल्यू तो आपको याद ही होगा, एन भी इसके साथ लगाना है। तो अ मैच इन विच नो पार्टी विन, यानी कि किसी ने भी नहीं जीता, तो मैच क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। इसको पैसिव वॉइस में बनाना है, तो बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स मतलब लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस देखते ही आपको याद आ जानी चाहिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं किसमें, पैसिव वॉइस में। तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय बॉयज, यानी कि यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ आता है, सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, तो काइट्स, इसके बाद काइट्स है तो इज एम आर में क्या लगेगा, आर लगेगा, उसके बाद बीइंग लगता है जब कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव बनाते हैं, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय जरूर आएगा, फिर सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट बॉयज। तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय बॉयज, उम्मीद करती हूँ आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसको सही बनाया होगा। इसके बाद है, वी वर प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी, पैसिव वॉइस में इसको हमें कन्वर्ट करना है, वी वर प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो वॉज या वर, तो ए कप ऑफ टी के साथ क्या लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी क्या सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, तो वॉज लगेगा कि वर लगेगा, वाज लगेगा। इसके अलावा इसमें भी कंटिन्यूअस टेंस होने की वजह से बीइंग लगेगा, तो
अ कप ऑफ टी वॉज बींग, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्रिपेयर का, प्रिपेयर्ड, इसके बाद बाई, और फिर वी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है। तो अ कप ऑफ टी वॉज बींग प्रिपेयर्ड बाई अस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, ही रन्स ऑन द रोड, ही रन्स ऑन द रोड, ही रन्स ऑन द रोड, ये है प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में, ही रन्स ऑन द रोड। तो ही रन्स ऑन द रोड को हमें चेंज करना है पास्ट इनडिफिनिट में, पास्ट इनडिफिनिट में कुछ नहीं, यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा, बाकी और कुछ नहीं चेंज होगा। तो ही रन का हो जाएगा रैन, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑन द रोड, ही रैन ऑन द रोड, बस हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, राइट द फोर साइलेंट वर्ड्स ऑफ के, आपको ऐसे चार वर्ड लिखने हैं जिनमें के क्या हो, साइलेंट हो। तो सबसे पहले यहां पर देखिए नाइफ, नाइफ, के एन आई एफ, नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू होता है, चाकू होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए के एन आई एफ, नाइफ, लेकिन यहां पर इसको हम पढ़ते क्या, इसका शुद्ध उच्चारण है नाइफ, के क्या है यहां पर, साइलेंट है, के का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो नाइफ हो गया। इसके बाद नॉक, नॉक मतलब खटखटाना, दरवाजा खटखटाना, क्या कहते हैं, खटखटाने को नॉक कहते हैं। तो के एन ओ सी के, इसका जो होता है ये मतलब इसका जो उच्चारण होता है वो नॉक होता है, लेकिन ये जो के है ये क्या है, साइलेंट है। तो नॉक मीन्स खटखटाना और उसमें भी के क्या है, साइलेंट है। फिर है नाइट, के एन आई जी एस टी, आपने देखा होगा गुड नाइट का जो कॉयल आता है उस पर गुड नाइट इस तरीके से लिखा होता है, गुड, के एन आई जी एस टी, गुड नाइट मतलब अच्छे योद्धा, इस नाइट का मतलब होता है योद्धा। अगर इसमें से आप के हटा दोगे तो नाइट मतलब रात हो जाएगा, लेकिन जब के लग गया तो के का मतलब योद्धा होता है, योद्धा मतलब वीर, जो युद्ध युद्ध लड़ने जाते हैं उन योद्धाओं को हम कहते हैं नाइट। तो यहां पर आप देखिए, तो ये जो है यहां पर जब हम ये यहां पर उच्चारण तो के का हो नहीं रहा है, लेकिन इसमें होता क्या है, के साइलेंट होता है, तो ये नाइट हो गया। इसके बाद नॉलेज, ये तो आप सभी को पता है, नॉलेज मतलब ज्ञान, और इसमें के क्या होता है, साइलेंट होता है। तो इस तरीके से ये चार, यहां पर चार वर्ड आपको मिले ऐसे जिसमें के क्या है, साइलेंट है, और इनको आप याद रखिएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है, फिल द स्पेलिंग्स, यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग हमें फिल करना है। तो यहां पर आप देखिए क्या भरना है, यहां पर क्या भरना है, यहां पर हो जाएगा सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट, क्रिकेट की स्पेलिंग आप में से मैक्सिमम लोगों को पता भी रही होगी। फिर ये है एच यू एन जी आर वाई, हंगरी, हंगरी मीन्स भूखा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन थे आज के सुपर फास्ट रिवीजन में, मैंने सभी क्वेश्चंस को करा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको उतनी पसंद आई होगी जितनी आप लोगों को अब तक की जो मैंने कराई है वो अच्छी लगी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखते रहिए, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों, आप लोग जितना शेयर करोगे उतने अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक हमारी वीडियोस पहुंचेंगी और उतने ही अधिक से हमारे डीएलएड के भाई बहन अधिक से अधिक मात्रा में हमसे जुड़ेंगे और इन वीडियोस का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, लाल कलर का बटन होगा नीचे आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा उसको प्रेस कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप कोई भी वीडियो बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखें। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा कोने पर, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अब तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आज तक वो सभी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और यहाँ आई बटन पर क्लिक करते ही मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया है, कमेंट बॉक्स से भी जा करके आप सभी वीडियोस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैंने भी आपको पूरा पढ़ाया है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जा करके टारगेट यूपी टेट सीटेट को सर्च करना है और आपको हमारे चैनल का लोगो इस तरीके से मिल जाएगा TUC लिखा हुआ। और इसके बाद दोस्तों आपको नीचे बटन मिलेगा ज्वाइन का, ज्वाइन को जैसे ही आप क्लिक करोगे आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाओगे, आपको सभी विषयों के पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा, कोई आप बस केवल जुड़ जाइए वहां पर। दोस्तों आप लोग को पवन सीरीज और आनंद सीरीज की भी पीडीएफ वहां पर फ्री में दे रहे हैं, आप लोग सभी की सीरीज बिल्कुल फ्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार आप लोग के लिए ही ये परिश्रम हम कर रहे हैं और जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं हुआ था तब तक हम लोग ऐसे ही लगे रहेंगे आप लोगों के लिए ताकि आप लोग का एग्जाम बहुत ही अच्छे से जाए और आप सभी लोग एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करें।
उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहेंगे, लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए और लगातार आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे ही हम लेकर के आते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।